मलिक साहब कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे ना ऑस्ट्रेलिया में 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक मेलबर्न नहीं गया, तो ये मेरा पहला ट्रिप होगा जिंदगी का, सिडनी टू मेलबर्न बाय रोड। तो हम जा रहे हैं बिल्लो रानी पे आज। तो मेलबर्न निकलने से पहले ना हम पेट पूजा करेंगे, हम आए मैगलैंड, इधर से खाएंगे मंदी। यार मंदी से पहले एक स्ट्रॉबेरी शेक ना हो जाए। हमारा ऑलमोस्ट ना रोजा ही हो गया कि हम 14 घंटे के बाद खाना खा रहे हैं। हसीब का ना मुझे लगता है दूसरा टूर है मेलबर्न का, लेकिन मेरा और उमर का ना पहला टूर है। नहीं भाई, मैं 4 दफा जा चुका हूँ पहले। हाँ है, 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 क्या 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 ज्यादा नहीं हो गया? 4 दफा कब गए हो तुम? दो हफ्ते पहले अभी दिन से भी हो गया। तो ये मतमल मंदी मैरीलैंड्स में, इधर से हम खाएंगे अब खाना। लेकिन हमारा मील आ गया है, बहुत भूख लगी है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। देख रहे हैं बॉयज फुल स्टाइल में है, फुल स्वैग में मंदी के बाद कावा। चलो यार जल्दी करो, अभी निकलते हैं। खाने के चक्कर में ना लेट हो गए, देखो अंधेरा हो गया, और अभी हम निकल रहे हैं। ये अभी सिडनी भी हमने नहीं छोड़ा, कैम्बरटाउन के पास पहुंचे हैं। विसल नहीं मिल रही जो कैंगरूज को ना अवे कर देती है आपकी गाड़ी से, तो अभी फाइनली हम बनिंग्स में आए हैं। ये बनिंग्स है, यहाँ से विसल लेंगे। बनिंग्स पे भी नहीं मिली तो हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, से बेटर हम अल्लाह का नाम लेके दुआए कनूत पढ़ लेंगे। दुआए कनूत आती है ना सीब तुम्हें? बिल्कुल आती है। हाँ तो वो पढ़ लेंगे अल्लाह का नाम लेके, बस अब निकलते हैं यार, बहुत लेट हो रहा है, आगे रात हो चुकी है। मुझे नींद आ रही थी, झटके लग रहे थे, सीब कहता आप आ जाओ, तो अभी ड्राइवर चेंज किया, मैं आ गया उधर पैसेंजर सीट पे और सीब ड्राइव कर रहा है। और अभी तीसरी बारी आएगी उमर की, लेकिन उमर टॉयलेट जाना चाहता है और बार बार कह रहा है जी रोको रोको गाड़ी, लेकिन हमें टॉयलेट नहीं मिल रहा। उमर होल्ड कर सकते हो ना? आज कोई अंदर तो नहीं करोगे? ब्रेक टाइट ही है ना। ट्रक के पीछे हम जाने का मकसद ये है कि कोई कैंगरू आएगा ना आगे हमारे, तो वो ट्रक के आगे आएगा पहले। तो ये कोई टाउन है, पता नहीं कहाँ है रास्ते में, तो हम इधर रुके हैं टॉयलेट यूज़ करने के लिए। उमर की ब्रेकें फेल हो गई थी, तो देखिए इतना क्वाइट टाउन है कि मतलब कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा इधर। तो वैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं ये ट्रीज इसके साथ। अभी गाड़ियों वापस जाते हैं, बहुत ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। उमर कैसा फील कर रहे हो आप? हल्का फील कर रहे हो? लिए मैंने गाड़ी जो जंगल में डाल दी है। नहीं जंगल नहीं, बना था, पता नहीं कौन से जंगल, पता नहीं कौन से बियाबान में आ गए हैं। बियाबान में जैसे वो टाउन नहीं होते जहाँ पर कोई नहीं रह रहे होते, पहले बहुत पहले लोग रह रहे होते थे, सुनसान हो जाते हैं, फिर हॉलीवुड में आते हैं, अचानक से हीरो आता है। देखा वो बोर्ड कैसा लगा था वहाँ? क्या लगा था, क्या लगा था मतलब वो बताने वाला नहीं है। क्या था वैसे? YouTube पे नहीं आ सकता वो, आपके एक चैनल उड़ेगा। मैंने स्पेशल नोट किया, मैंने कमर देखा भाई क्या लगा। 7-Eleven सामने हाईवे के आया, नजर उधर नहीं रोकी, और अब इतनी भूख लगी हुई है, कोई फ्यूल पंप ही नहीं आ रहा, और इधर आए हम घूम के ना एग्जिट लेके हाईवे से, तो बंद है। वैसे वेबसाइट पे लिखा था 24 आवर्स। इतनी भूख लग रही है उनकी की तरह से ही बदन एल्बरी में हमें एक जगह मिली है जहाँ हमें स्नैक वगैरह ले सकते हैं, थैंक गॉड। तो बहुत भूख लग रही है अभी यार। सिडनी में होते हमें देसी मिल रहे थे बीपी पे, मैंने स्नैक्स में लिए अप एंड गो, ओरियो और बोंटी चॉकलेट, मेरी फेवरेट। आपने क्या लिया ब्रो? एक ड्यू का बड़ा कैन, एक बिग डेरी मिल, ये दो पता नहीं कौन सी फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज है। चॉकलेट और कॉफी लिया। ये नया कॉम्बिनेशन निकाल दिया तुमने दुनिया में है। जी सर बस ये लिया और कुछ नहीं लिया। जी हमारा सफर 2 घंटे और 30 मिनट का रह गया, टोटल 9 घंटे और 10 मिनट की ड्राइव थी। तो अभी ये बड़ा खतरनाक एरिया आ रहा है ह्यूम हाईवे,
तो जैसे हम बड़े ध्यान से जा रहे हैं ट्रक के पीछे ना, क्योंकि कैंगरू आते हैं अक्सर इसी रोड पे, तो कैंगरू ने हिट कर दिया ना तो हमारी गाड़ी का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ट्रक पे जाने का भी पीछे जाने का फ़ायदा ये है कि ट्रक के नीचे आएगा पहले, फिर हमें पता चल जाएगा, हम लेन चेंज कर ले हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ट्रक की वजह से। आप हमें फिर फ्यूल डलवाना पड़ा, समझ नहीं आ रही कि मतलब फ्यूल उधर भी डलवाया था $100 का, तो अभी फिर $100 का डलवाया। यह मेलबर्न का बोर्ड, पहले हमने ट्रक वाले को डाल बनाया हुआ था, अभी ट्रक वाले ने हमें डाल बनाया हुआ, पीछे पीछे आ रहा हुआ है। डिसाइड कर लिया कि चलो मैं आगे आ जाता। चलो भाई आप लगो ना आगे हमारे, आप दूध वाला एरिया गुजर गया, अब आप आ गए, मैं आ जाता हूँ आगे। इतना अच्छा एरिया था ना, तो अब वो खुद आगे आ गया, जहाँ स्मोक थोड़ी नजर आई बस आधे पीछे हो गया कि आप चलो आगे। स्पीड कैमरे रोशनी ज्यादा पै रही है, मेरा कैमरा भी धुंधला हो गया। यार जिंदगी में ना कुछ चीजें मिस करने का ही मजा आता है, आपको पता है इस चीज का? वो अगर आप इस तरह की चीजें बार बार मिस करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये बात सेकंड करूंगा पहली बार। ये देखें, ये सीन अभी दोबारा आ गया, देखे ना आप। नहीं ब्रदर, हम डाउन हिल जा रहे हैं, कोई मसला नहीं यार। मेलबर्न, यार मेलबर्न इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी ब्रदर। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो ब्रदर, मैं आपसे कमेंट करेंगे तब पूछूंगा कि मेलबर्न आपको अच्छा लगा कि सिडनी अच्छा है। मैं डेफिनेटली कहूंगा मेलबर्न ब्रो, डेफिनेटली। इंसान जिस जगह पहले आता है वो इंसान को अच्छी लगती है। लेकिन भाई तो पहले सिडनी आया है। कौन भाई कह रहे हैं मेलबर्न अच्छा लगेगा, तो आप कह रहे हैं आपका दिल रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उनको सिडनी अच्छा लगता है। सिडनी में तो जान बसती है भाई, हैं सिडनी में लड़कियां बसती हैं। नहीं ये सिर्फ एक झूठी बात है, क्योंकि सिडनी में ऊपर बसते हैं। मैं सिडनी से पहले ना मेलबर्न आने वाला था, मेरा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था, लेकिन अल्लाह का कुछ और ही मंजूर था। नहीं नहीं, मैंने हार्बर बीच नहीं था देखा, मैंने बंडाई बीच देखा था। बंडाई के पाकिस्तान में बंडाई कहते थे या बोंडी? बंडाई कहता था और मेलबर्न के अंदर भी है ये वाला ट्रक चलाया करो तो इंशाल्लाह साल डेढ़ बाद। ये अभी M80 वाला मैक्स मारेंगे ना, पहले एग्जिट मुझे लगता नहीं तो सीधा आ रहे थे, तब से 700 किलोमीटर बाद कोई एग्जिट आया। ये वाला एग्जिट है, ये M80 वो सिटी जी लॉन्ग जाता है। उमर तुमने M80 भी देख लिया है? डायरेक्ट M2 M7 से M80 पे आ गए। नहीं पहले M31 पे आए, तरक्की कर गए, बस तरक्की कर गए, इधर आ गए M1 M2 दोबारा आ गए। ये वैसे लग रहा है एयरपोर्ट में एंटर हो रहे हैं सिडनी का। हां वाकई मेलबर्न के बारे में जब सीबीडी में जाएंगे ना फिर। और मेलबर्न की तन्हाइयाँ और सुनसान रोड रात के 4 बजे आज की शाम, उमर के नाम क्या बात है, कैसा राइम बना यार है। बात कोई भी हो रहा गड़ा उम्र ही ज्यादा है यार, है वैसे गलत गल है यार, हर बात उम्र पे लगती है। मेलबर्न की ठंडी ठंडी बातें सब आने हमारा इस्तकबाल किया। मेलबर्न काफी खामोश खामोश है, सुनसान। हम जब से एंटर हुए हैं यही पर, ये वाइट जगह, यहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक है बाबा जी, देखो वही निकल जाना इधर, थोड़ी सी लगी है कि जिंदगी है इधर, जिंदगी है। बाकी तो ऐसे कि जैसे हॉलीवुड वाले टाउन है, हॉलीवुड वाले टाउन है, ज़ॉम्बीज आए हैं, खत्म हो गया सब कुछ। अरे अभी तो बहुत बड़ा आया ही, बोलिए अरे स्पीड कैमरा हेड जी भाई, तरस रहे थे इसकी आवाज के लिए, मैं वाकई तरस गया। स्पीड कैमरा ट्रक स्लो जा रहे ट्रक
तू टैक्सी चला रही है यार सीओ, तेरा फ्यूचर बड़ा डार्क नजर आ रहा है। डार्क नजर आ रहा है, टैक्सी वाले तो ओवरटेक कर देने से बाहर गड्डी नु। हां सी मैंने ड्राइविंग की है फिर आज आपको। अच्छी ड्राइविंग की है, आपको مزید क्लासेस की जरूरत है। ओके आ जाना रात 12 बजे के। वो आपने नहीं वो वाली नहीं, आपके देख अश्लील बात कर रहे हो आपने। वो 1 मिनट भी ड्राइविंग की और आपका जो शिगिरता है कारे खास वो तो थक गया था बड़ी जल्दी। आपको जन्नत किसने कहा डायरेक्ट मिल जानी है? क्योंकि रमजान गुजरा है ना कोई थोड़े दिन पहले, तो 2 दिनों में आपने इतने पाप कर लिए कि आपकी जेल में। सर आपको कैसे पता मैंने कर लिया? आपने तो मौका ही दिया हमें। ब्रदर हकुकुल्ला माफ हो जाते हैं, हकुकुल्ली बाद नहीं माफ होते। सर हमने आपसे माजरत कर ली थी, माफी मांगनी थी ना। ब्रदर मैंने आपको माफ किया, आपने कहा था कर दिए। चलो कोई चक्कर सर, फिर आप तो लोटे हैं। नहीं जी ज्यादा आप तो फिर मौलाना फजल रहमान को भी उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया आपने। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है, ये आखिरी एग्जिट होगा हमारा, 9 मिनट की ड्राइव रह गई है बस अल्हम्दुलिल्लाह। बियांके जो हमारी नींद से भर गई है, फाइनली मेलबर्न पहुंच चुके हैं। हमारी जो लॉन्ग ट्रिप 9.5 घंटे और स्टे डाल के आप कह रहे 11 घंटे की ट्रिप थी, तो सबसे ज़्यादा ड्राइव की है सीप सीप ने। थैंक यू सीप फॉर बीइंग अ सो गुड ड्राइवर। और सबसे खतरनाक ड्राइवर जो पीछे बैठा हुआ है वो मुझे जन्नत में पहुंचाने लगा था। बड़ी मुश्किल से करीब करीब से मौत का फिश्ता देखा आज हमने। जाओ अभी आप जिंदा रह लो। अभी हमारा मेजबान हमारा इंतजार कर रहा है कब से, वो मेरी आने का ब्लैंकेट भी निकाल लो। उमर ब्लैंकेट भी निकाल, अपने बैग चुको सारे। ये है जी हमारे मेजबान सेफ भाई। हेलो, वेलकम टू मेलबर्न। शुक्रिया ब्रो। ब्रो लेकिन थकाने वाली ड्राइव है, बहुत लंबी ड्राइव है, लेकिन अच्छा सफर रहा यार, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत लंबी ड्राइव है यहाँ पे, बट ये कि मज़ा आता है। तो बिरयानी तो ठंडी हो गई होगी सर। बिरयानी बिरूनी कोई नहीं हो क्या? हांडी है, हांडी हांडी तो बिरयानी है, दम बिरयानी। वैसे ये यार ये हम दम पोता पेंड वाला स्टाइल है मेलबर्न के अंदर। तो बाबा जी पेंड रे आ गए मैं ऐसी लगे जिवे पाकिस्तान ऐसे ऐसे मिल जंदी तो नहीं पाकिस्तान कोई आटा तड़के मिल के ते कुजी नहीं बनांदे। हां ये चीज और हाँ सर, जब बारिश उतर थी बारिश होती थी सारे लड़के कट्ठे हो जाते, एक चौल लै आंदा एक मसाले लै आंदा सी, हाँ ते एक फ्रिज खाने वाला आ जांदा सी। फ्रिज वाला भी आ गया। हम अभी खाना खाएंगे फिर सोएंगे, तो अगले व्लॉग में मिलेंगे कल इंशाल्लाह। मेलबर्न एक्सप्लोर करेंगे कल, मिलांगे सर ते बाकी जेड़ा ना अज वाले नु अंगूठा चाड़ दियो। Thank you.